हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैंप टीवी पे। सो बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम स्टैंडर्ड 10th का सेकंड लेसन पढ़ेंगे। सेकंड लेसन जो कि पॉलीनोमियल है। 9th में इसका टोटल डेज आ गया। 9th के अंदर हमने पॉलीनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ये सब कुछ सीखा। डिग्री क्या होती है वो भी हमने सीखा। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। क्लियर। इसके बारे में थोड़ी बहुत हमने वहां पे इंफॉर्मेशन ली। अभी 10th के अंदर उसको थोड़ा और ज्यादा ब्रॉड सीखना है, थोड़ा डीप में सीखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम नॉर्मल बात करें तो फैक्टर का आना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सपोज एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कुछ बेसिक पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे जाते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे निकाले जा सकते हैं वो आप समझ लीजिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने से पहले एक चीज आपको और भी क्लियर कर दूं कि हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर निकालते थे। एक एग्जांपल के तौर पे मानो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता था तो मैं लिखता था एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। सपोज यहाँ पे मेरे पास एक्स माइनस वाई या एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर होता था तो मैं परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल करता था एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर या तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बट ये जो है वो ऑलरेडी डिराइव्ड आइडेंटिटी कही जाती है कि जो हमें डायरेक्ट याद रख लेनी है। बट जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल लिखा था लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले तो फैक्टर निकालने पड़ते हैं। फैक्टर उसकी निकालने की अलग अलग मेथड होती है। आप लोग ने 8th स्टैंडर्ड के अंदर एक मेथड का नाम पढ़ा था, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मतलब कि ये जो मिडल टर्म है उस मिडल टर्म को हम क्या करते थे, स्प्लिट करते थे। क्लियर। और उसको दो पार्ट में डिवाइड करते थे। अब 9th में एक बेसिक और भी सीखा था कि जिसका पावर माफ कीजिए जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या मिलते हैं, 1। क्या मिलते हैं, 1। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या, कुछ बच्चों को ये डाउट हो रहा होगा सर नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस का मतलब। तो जीरोस मतलब समझो, एक चीज दिमाग में उतार लो, जीरोस जब भी कभी आपको आ जाए फाइंड जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल और फॉलोइंग इक्वेशन, तो जीरोस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। क्या, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो आपके पास वेरिएबल है, जो भी हो, चाहे वो वेरिएबल एक्स हो सकता है, ए हो सकता है, वाई हो सकता है, बी हो सकता है, व्हाटएवर वेरिएबल, जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल की वैल्यू वो क्या कही जाती है, जीरोस। तो लीनियर इक्वेशन के लिए हम बेसिक सीखे थे कि मेरे पास अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 1। मेरे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके नंबर ऑफ जीरो होते हैं 2। मेरे पास अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो मेरे नंबर ऑफ जीरो होते हैं 3। मतलब कि जितनी सादी भाषा में अगर हम लिखे तो जितनी डिग्री होती है, जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। तो नंबर ऑफ डिग्री, माफ कीजिए, डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। अब जीरोस ढूंढने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एल्जेब्रिक मेथड, एक होती है ग्राफिकल मेथड। क्लियर। एक एल्जेब्रिक मेथड और एक होती है ग्राफिकल मेथड। अब एल्जेब्रिक मेथड को हम यहां पे मैं आपको बताऊंगा एल्जेब्रिक मेथड में जीरो किस तरीके से ढूंढेंगे, और ग्राफिकल मेथड जो है वो आपको 10th के एक्सरसाइज नंबर 2.1 में समझ में आ जाएगी। मैं आपको 2.1 जब पढ़ाऊंगा तब वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी, और यहाँ पे 2.2 जब मैं आपको क्लियर करूंगा तब आपको एल्जेब्रिक मेथड के बारे में समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जीरोस मुझे अगर ढूंढने हो, उसके जीरोस मुझे अगर निकालने हो, तो मैं उसको एज अ फैक्टर एक एग्जांपल के तौर पे कैसे करता हूं जरा देखिए। तो सबसे पहले जीरोस जोड़ने के लिए मेरे पास जो इक्वेशन दिया गया है मुझे इसके इक्वल क्या लेना पड़ेगा, जीरो। क्या लेना पड़ेगा मुझे इसके इक्वल, जीरो लेना पड़ेगा। और जीरो लेके मुझे इसको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, मेरा जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1 तो होगा ही,
उसको और कांस्टेंट टेम्पो मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कौन सा नंबर आया, टू, क्लियर ना, टू अंदर टू आ गया। अब हमें टू के फैक्टर निकालने होते हैं, तो टू के फैक्टर कैसे निकाले समझो, हमें टू को यानी कि इस 3x को स्प्लिट करना है, तो इस टू के कोई ऐसे दो फैक्टर निकालने होते हैं जिसका मल्टीप्लाई तो टू ही आए, अच्छे तरीके से समझो, जिसका मल्टीप्लाई तो टू ही आए लेकिन जिसका एडिशन क्या आए, थ्री। यहां पे जो साइन है, अगर वहां पे साइन माइनस की होती तो मैं क्या बोलता, उसका सब्ट्रैक्शन क्या आए, थ्री, बट यहां पे प्लस की साइन है तो मैं क्या बोल रहा हूं, उनका टोटल क्या आए, थ्री। तो दो के तो एक ही फैक्टर है क्योंकि वो तो प्राइम नंबर है, मतलब टू वन जर टू, तो देखिए टू वन जर टू भी हो गया और टू प्लस वन थ्री हो गया, वो ऑलरेडी सेट है और वो होता ही हर बार, सिर्फ हमें प्रॉपर पैर चुननी होती है, बस वो दिमाग में रखें, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हो क्या करना है, पहले टर्म को कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है, कौन से दो नंबर मिले हमें, टू और वन, तो थ्री एक्स के दो टुकड़े, टू एक्स एंड वन एक्स, क्लियर ना, टू और वन, थ्री एक्स, माफी टू एक्स एंड वन एक्स, मतलब कि थ्री एक्स जो है ये थ्री एक्स वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, टू एक्स एंड वन एक्स, और लास्ट टर्म को भी कुछ करना नहीं, वो एज इट इज रहेगा। चलो क्लियर एवरीवन, क्लियर ना। अब हमारे पास देखिए दो कॉम्प्लेक्स हो गए, उसमें से क्या कॉमन आएगा, पहले में से मैंने x कॉमन ले लिया, अंदर हो जाएगा x प्लस टू, दूसरे में से मैंने कुछ कॉमन नहीं निकला, वन x प्लस टू, अब ये बात तो आप नाइन्थ के अंदर सीख गए हो, क्लियर ना, नॉर्मल बेसिक है, नॉर्मल बेसिक है, नाइन्थ के अंदर ये बात तो आ गई कि ये दोनों ब्रैकेट कंपलसरी सेम होने चाहिए। चलो उसको बाहर निकाल लो, दोनों में से x प्लस टू कॉमन, अंदर क्या रह गया, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब जब दो मल्टीप्लिकेटिव टर्म होते हैं उसके इक्वल जीरो आता है, जब दो मल्टीप्लिकेटिव टर्म होते हैं उसके इक्वल जीरो आता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों के इक्वल जीरो लिख देते हैं, मतलब x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब टू को उस तरफ भेज दो तो वो हो जाएगा प्लस, माफ कीजिए, माइनस टू, क्योंकि वो प्लस टू था, ब्रेकेट हटा देते हैं, और यहां वन को उस तरफ भेज दो तो हो जाएगा माइनस वन, मतलब कि हमने जो कहा था वो सही है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोस, मतलब क्या वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब क्या वैल्यू ऑफ एक्स, वो कितने मिलते हैं, दो, तो देखो दो मिल गए वैल्यू, एक ये और ये, क्लियर, समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम एल्जेब्रिकली क्या कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली हम इनको ढूंढ सकते हैं, एल्जेब्रिकली हम पता चल जाता है हमें कि एक्स की वैल्यू कैसे मिली, बट हमें अगर उसको ज्योमेट्रिकली अगर मुझे उसको ढूंढना है तो मैं उसको कैसे ढूंढूंगा, वो हम 2.1 में सीखेंगे, बहुत इजी है, आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, आपको एक्सिस दे दी जाएगी और अलग अलग प्रकार के कर्व दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो ग्राफ के ऊपर से नंबर ऑफ जीरो कितने हैं वो जानने के लिए आपको एक्सरसाइज 2.1 सीखना जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों ये बेसिक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, हम 2.1 की शुरुआत करते हैं। चलिए 2.1 एक्सरसाइज नंबर डाटा लगाइए, एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो यही कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फॉर फॉलोइंग ग्राफ, जो ग्राफ दिया हुआ है वो क्या है, y इज इक्वल टू p ऑफ x, y इज इक्वल टू p ऑफ x, मतलब कि y का ग्राफ दिया हुआ है p ऑफ x, ओके। अब ये मेन बात है, ये क्या है, ये नया आया कुछ, भाई y इज इक्वल टू p ऑफ x का मतलब क्या, तो यहां पे एक चीज समझो कि आपको जो भी ग्राफ दिया जाए, मानो एक ग्राफ ऐसा दिया है, एग्जांपल के तौर पे आपको ऐसा ग्राफ दिया गया, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश, क्लियर, और y इज इक्वल टू p ऑफ x दिया गया और कहा गया चलो एक ऐसा ऐसा कर्व दे दिया गया, और y इज इक्वल टू p ऑफ x के जीरो कितने, तो समझो यहां पे राइट हैंड साइड पे क्या, इतना याद रखो, राइट हैंड साइड पे क्या, राइट हैंड साइड पे x है, x है ना, क्योंकि ये x का ग्राफ है, तो ये x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है उतने हमारे नंबर ऑफ जीरो होंगे, तो हमारा ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 1, 2 एंड 3, मतलब डायरेक्ट नंबर ऑफ जीरो मिल जाएंगे कितने, 3, सिंपल, मतलब कि जो जिसका ग्राफ है वो कितनी बार सामने वाले एक्सिस को टच कर रहा है, यहां पे p ऑफ x है, चलो यही इक्वेशन अगर कुछ ऐसा होता, x इज इक्वल टू p ऑफ y, क्या x इज इक्वल टू x is equal to p of y, तो यही ग्राफ के लिए मैं क्या लिखता है, x is equal to p of y के लिए, तो मेरे y एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है ये, तो कि सिर्फ
ओनली एंड ओनली वन टाइम। तो अगर ये ग्राफ होता तो मेरा आंसर निकल के आता, बस सिंपल। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन में एल्जेब्रिकली जब हम सॉल्व करते हैं जीरोस को, तब हमें पूरा क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन ग्राफिकली तो हमें सीधा पता चल जाता है कि किस तरीके से आंसर आया। क्लियर? चलिए चालू करते हैं। और नंबर ऑफ जीरो कितने हर एक के अंदर वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला पहले क्वेश्चन के अंदर एक ग्राफ बनाया गया है एक्स सॉरी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ओके। और जो ग्राफ दिया गया है वो ग्राफ कहां है, यहां दिया एस, ओके। तो यही है हमारा क्वेश्चन, यही है वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। मतलब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ढूंढना है y is equal to p of x में x axis को कितनी बार टच हुआ है हमारा ग्राफ। तो यहां तो हुआ ही नहीं है, यहां पे देखिए तो y axis को टच कर रहा है, मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस मतलब वैल्यू ऑफ x कितनी हो जाएगी, जीरो, x की वैल्यू मिलेगी। चलिए क्लियर, सिंपल, ग्राफ के ऊपर हम तो चल रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, ऐसा दूसरा नंबर जो है वो, ये मेरी y axis है, ये मेरा x एक्सिस है, x x डैश y y डैश। वो जो ग्राफ दिया हुआ है कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के अंदर हमें बताया गया है कि ऐसा ग्राफ है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है समझो, कि यहां पे भी क्वेश्चन तो यही है y is equal to p of x, मतलब कि x एक्सिस को हमारा ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है, तो ओनली वन टाइम टच कर रहा है ना, ओनली वन टाइम, देखिए यहां पे सिर्फ वन टाइम टच कर रहा है। तो इसके भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, वन, सिंपल, बहुत इजी है ये चीज। ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, आपको ग्राफ ड्रॉ करके दे सकते हैं और कहेंगे कि मैं नंबर ऑफ जीरो ढूंढी। चलो तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में क्या बताया गया है, तीसरे क्वेश्चन में बताया गया है कि आपके पास एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, मतलब ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है। और जो ग्राफ दिया गया है वो ग्राफ कुछ ऐसा है, समझो ग्राफ कैसा दिया गया है, ग्राफ दिया गया है कुछ ऐसा। तो यहां पे कितनी बार टच कर रहा है एक्सिस को, 1, 2 एंड 3, तो 3 टाइम टच कर रहा है, देखिए। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसके, 3। समझ में आई बात, रेडी? मतलब कि हमें सिर्फ एक ही बात देखनी है कि हमारा राइट हैंड साइड पे कौन है। यही 3 ग्राफ के लिए अगर मैं वाई लिखूं तो वाई क्या होगा, ये अगर इक्वेशन लिखूं तो यहां पे तो 1, यहां पे 1 और यहां पे भी 1, क्योंकि तीनों 3 वाई एक्सिस को तो एक ही बार टच कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उसके लिए भी एक्सिस दी हुई है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश। अब उसके अंदर ग्राफ क्या दिया गया, समझो उसके अंदर ग्राफ दिया गया ऐसा, मतलब कि यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, बराबर। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच हुआ, 2 बार, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2, सिंपल, रेडी नाउ। लास्ट, माफ कीजिए, फिफ्थ नंबर, उसके बाद आखिरी है। फिफ्थ नंबर में ग्राफ कैसा दिया हुआ है समझो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x x डैश y y डैश, और जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, रेडी? तो कितनी बार x एक्सिस को टच हो रहा है, यहां पे देखो 1, 2, 3, 4, 4 टाइम टच हो रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 4, कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरो, 4, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया गया है। क्लियर ना? नाउ लास्ट वन, उसके अंदर भी हमको कैसा ग्राफ दिया है, देखो ये 6 नंबर का जो है x x डैश y y, उसका जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसा है, देखो सिर्फ ऐसे यहां पे टच हो गया, फिर यहां पे चला गया, बराबर, माफ की, यहां से भी कर्व है ऐसे, मतलब कि कितनी बार, 1, 2 और 3, 3 बार टच हुआ है, मतलब कि नंबर ऑफ जीरो यहां पे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 3, कितने हो जाएंगे, समझ में आई बात। तो बच्चों यहां पे ये हो गई ग्राफिकल बात, एल्जेब्रिकली तो पता चल जाता है डिग्री के ऊपर से कि भाई कितनी डिग्री है, यहां पे 2 डिग्री है, यहां पे मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो मुझे नंबर ऑफ जीरो 2 मिलेंगे। ग्राफिकली कैसे पता चलता है वो मैंने आपको बता दिया, ग्राफिकली आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको देखना कहां पे, राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जो चीज हो, जैसे कि यहाँ पे x है और x एक्सिस को कितनी बार टच हुआ, यहाँ पे y है तो y एक्सिस पे कितनी बार टच हुआ, ओके। तो ये बात अच्छी तरीके से आपको दिमाग में ले लेनी है, अच्छी तरीके से उतार लेना है
वीडियो को एक बार अच्छी तरीके से यहाँ पे जैसे मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करने के बाद अच्छी तरीके से आप लोग लिख लेना, ठीक है इसे। सो बच्चों आज इस लेक्चर के अंदर हम हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम ग्राफिकल मेथड सीखे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एल्जेब्रिक मेथड को भी सीखेंगे जिसमें हम इसको अल्फा कहेंगे, इसको बीटा कहेंगे, फिर अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन जो है वो भी हम ढूंढेंगे क्योंकि समेशन करना है उसका, उसकी प्रोडक्ट करनी है, उसके दो फॉर्मूलाज डिराइव करने हैं, ठीक है, और उसके ऊपर से हमें रिलेशनशिप तय करनी है उनके कोएफिशिएंट के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वही सारी चीजें दिखेंगे, तब तक आपको इस प्रकार के फैक्टर जो नाइन्थ की बुक में दिए हुए हैं या आपको कहीं और प्रैक्टिस बुक से मिल रहे हैं तो ये प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से कर लेने हैं, किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक करनी नहीं, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।